Hello everyone, welcome to my channel and I hope you all are doing well. So today I'm going to talk about coconut hair oil, and this is the Kama Ayurveda extra virgin coconut oil. So you know, jab aap iske packaging ki baat karte hain, to you can see the packaging, it's quite pretty. Ek simple si packaging rakhi gayi hai, you can see the packaging. And yahan pe ek metal ka जो कैप दिया गया है, और जब यहाँ से आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से प्रोडक्ट को आउट कर सकते हो. बट अभी विंटर का मौसम है तो इसके लिए you know, आप सभी जानते होंगे कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो जम सा जाता है, तो इसको यूज करने के पहले आपको इसे पिघलाना होता है या फिर आप धूप में रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर एक कटोरी में निकालकर आप उसे एक्स्ट्रा हीट देकर डबल बॉयलर की मदद से आप यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये इसकी जो प्राइस है वो है 725, और मैंने इसे 725 में ही लिया है. मुझे कोई भी डिस्काउंट एक्चुअली नहीं मिले हैं, और मैंने इसे nykaa.com से लिया है क्योंकि nykaa.com पे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो काफी ऑथेंटिक होते हैं, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं. तो मुझे जितना भी प्रोडक्ट अगर मुझे कोई चाहिए होता है तो ज्यादातर मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या अपने लिए जो भी पर्सनल यूज होती है वो nykaa.com से ही लेती हूँ या फिर मिंत्रा से. सो अभी बात कर रहे हैं कामा आयुर्वेदा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल. एंड इसकी जो क्वांटिटी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 ml. जी हाँ, इसकी क्वांटिटी 200 ml है. प्राइस के अकॉर्डिंग 200 ml इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. आप ये नहीं बोल सकते कि काफी सस्ती है, बट अगर इसकी क्वालिटी वाइज बात करते हो तो दिस इज अमेजिंग हेयर कोकोनट हेयर ऑयल. अगर आपने बहुत सारे कोकोनट ऑयल ट्राई करा होगा, एक्चुअली कोकोनट जो ऑयल होते हैं ना वो सारे ही अच्छे होते हैं, बट अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आप लेते हो तो आप स्किन के लिए भी यूज कर सकते हो. उसमें क्या होता है कि अगर आपको दाग धब्बे झाई हैं या फिर काले धब्बे से हो गए हैं आंखों के नीचे, तो उसको आप यूज करके, आप इसे रेगुलर वे में यूज कर उसे उस प्रॉब्लम को आप हटा सकते हो, काले घेरे को या फिर स्किन पे आपके पिंपल्स के दाग धब्बे हैं उसे भी ये हटा सकते हैं. बट अभी बात कर रहे हैं हेयर ऑयल की. मैंने इसके पहले बहुत सारे कोकोनट ऑयल ट्राई किए हैं गाइज, एंड इसके पहले मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल के भी ट्राई किए हैं, वो भी काफी एक्सपेंसिव है बट काफी अच्छा है, उसका भी रिव्यू मैं आपके सामने लेके आऊंगी. बट अभी बात कर रहे हैं कामा आयुर्वेदा की. तो मैंने इसे बाय किया था क्योंकि मुझे कोई अच्छा कोकोनट ऑयल चाहिए था ताकि मैं वो ऑयल को स्किन और हेयर दोनों में यूज कर सकूं, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट्स होते रहते हैं और उसके थ्रू मुझे पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं वो ऑलमोस्ट छोड़ के जाते हैं. तो उसके लिए मैंने ये लिया था कि ताकि इनके जो पिंपल्स के दाग धब्बे स्पॉट्स होते हैं, मैं अगर कोई फेस मास्क यूज कर रही हूँ तो उसमें 2 या 3 या फिर 5 ड्रॉप इनफ होता है, सफिशियंट होता है, वो डाल के अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ तो काफी जल्दी रिमूव हो जाते हैं डार्क सर्कल या फिर डार्क स्पॉट्स वगैरह पिंपल्स के. तो मैंने ये इसे इसलिए लिया था क्योंकि मेरे जो हेयर फॉल हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे थे दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में हेयर फॉल हो रहे थे. वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि मैंने अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी. जी हाँ, क्योंकि मेरे बाल, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे बाल बहुत ज्यादा कर्ली थे और आई डोंट लाइक कर्ली हेयर. मुझे स्ट्रेट बाल ही बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके लिए मैंने स्मूदनिंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग का ट्रीटमेंट लिया था, और उसके बाद से मेरे हेयर फॉल जो होने शुरू हुए थे, आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे. उन्होंने मुझे शैम्पू भी एडवाइज किया था बट उसके बाद भी मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मुझे कोई अच्छा हेयर ऑयल चाहिए थी. एक्चुअली आप जब स्मूदनिंग करवाते हो ना तो आपको वो हेयर ऑयल स्किप करने को बोलते हैं, बट फॉर मी दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि अगर आप अपने हेयर बालों को अगर ऑयलिंग नहीं करोगे ना तो आपके बाल बिल्कुल बेजान रूखे झाड़ू से हो जाते हैं, ट्रस्ट मी. सो मैंने कुछ दिन तो अवॉइड किया था हेयर ऑयल लगाना, आई थिंक 1 month. उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, विदाउट ऑयल आई कांट लिव, क्योंकि मेरे हेयर जो थे बहुत ज्यादा फ्रिजी एंड यू नो बहुत ज्यादा
डैमेज से दिख रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये कोकोनट का ऑयल, कामा आयुर्वेदा का कामा आयुर्वेदा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ट्राई किया एंड दिस इज सुपर टूपर ऑसम, इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज, ट्रस्ट मी। अगर आप इसे बाय करते हो तो ये आपको एक्सपेंसिव तो लगेगी, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसे प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया लगा एंड मुझे बिल्कुल रिग्रेट महसूस नहीं हो रहा है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद बाई करती हूँ, खुद प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तभी इसका प्रोडक्ट लेके किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आपके सामने आती हूँ। तो मुझे कोई भी प्रोडक्ट जब खुद पे एडवाइस यूज करके अच्छा लगता है तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना रिव्यू। सो अगर आप के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपको कोई अच्छा कोकोनट हेयर ऑयल चाहिए, तो आप कोई भी हेयर ऑयल मत ट्राई करो गाइज, आप कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर हेयर स्किन। एंड अगर आपके स्किन डैमेज हो चुके हैं, ड्राई फील हो रहे हैं, डल हैं, स्किन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, सो ट्रस्ट मी दिस इज द वेरी गुड प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू गाइज, आपको ट्राई करनी चाहिए। हेयर फॉल के लिए तो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, आपको डैंड्रफ है, आपकी हेयर अगर आप लॉन्ग रखना चाहते हो, अगर आपकी और मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट करा है ना, मेरे हेयर फॉल तो रुक ही गए हैं, साथ ही मेरे जो हेयर के जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे से हेयर फॉल मेरे जो थे वो रुक चुके हैं एंड मेरी जो हेयर की ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो रही है। यू कैन सी माई हेयर, मैंने जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अभी साड़ी वेयर कर रखी है दोस्तों, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने जो घर में तो ज्यादातर साड़ी नहीं पहनती हूँ, अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, बट मैं आउटिंग के लिए गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यू नो आप देख सकते हो मैंने थोड़े अपने बालों में कर्ल भी किए हैं। एक्चुअली जब स्ट्रेटनिंग आप बाल करवाते हो, स्मूथनिंग की ट्रीटमेंट लेते हो, तो वो आपको स्ट्रेटनिंग कर्ली करने के लिए भी मना करते हैं, बट मैं थोड़ा बहुत अपने बाल को बेबी टाइप कुछ लुक देना चाहती थी, सो मैंने अपने हेयर स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनर से ही बाल को थोड़ा सा आउट कर्ल किया था, तो मैंने इसलिए एक वीडियो शूट कर लिया। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे ज्यादातर टाइम नहीं मिलता है गाइस, ट्रस्ट मी आई एम हाउस वाइफ एंड मुझे बहुत सारे घर में अरेंजमेंट देखने होते हैं, सो हाउस वाइफ की जो ड्यूटी होती है बहुत लोग इजी समझते हैं, बट दिस इज नॉट इजी फॉर मी। सो अगर आप चाहते हो कोई अच्छा हेयर ऑयल, आपकी बाल में ग्रोथ चाहते हो, आपकी बाल सिल्की एंड शाइनी चाहते हो लाइक दिस, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। या आप मेरे इस जो हेयर है उसमें आप बाउंस भी देख सकते हो गाइज, काफी अच्छा बाउंस है और मेरे जो हेयर हैं वो काफी घने हो गए हैं। तो आप अगर कोई अच्छा हेयर ऑयल चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, गो फॉर इट एंड आई सजेस्ट यू गाइज, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर हेयर, आपको ट्राई करनी चाहिए एंड आप बिल्कुल रिग्रेट महसूस नहीं करोगे। इट्स अमेजिंग कोकोनट हेयर ऑयल, मैंने इसका काफी अच्छे से ट्राई करा है और मैं जब भी इसे यूज करती हूँ तो सिंगल में भी यूज करती हूँ, डबल बॉयलर की मदद से आपको जब भी हेयर ऑयल आप लगाएं तो डबल बॉयलर की मदद से आपको अपने जो ऑयल है उसको थोड़ी हीट कर लेनी चाहिए ताकि वो अच्छे से आपके बालों को नरिश कर सके। और इसके साथ मैं एक और हेयर ऑयल है वो उसे मिक्स करती हूँ, ऑलिव ऑयल को भी, सॉरी ऑलिव ऑयल नहीं, कैस्टर ऑयल, जी हाँ वो बहुत ज्यादा थिक होती है, अगर आपने यूज करा होगा तो आपको पता होगा, तो उसको मैं 1 टीस्पून इसमें अप्लाई करती हूँ हेयर ऑयल के साथ और मेरे स्किन हेयर काफी अच्छे हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाल स्मूथ सिल्की शाइनी एंड लॉन्ग हेयर हो देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस गाइज, आई विल सजेस्ट यू और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए कामा आयुर्वेदा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल एंड आप बिल्कुल रिग्रेट महसूस नहीं करोगे। तो आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल नायरा ब्यूटी डायरी एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपकी मेरी जो भी वीडियो आपके पास हो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जल्द से जल्द आप मेरे पास जुड़ पाओ, मुझसे कनेक्ट हो पाओ। और इतने दिनों में आप मुझे
बहुत ज्यादा प्यार दिए हैं दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आगे आप मेरे साथ जुड़ोगे एंड मुझे कनेक्ट हो पाओगे और मुझे सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, एंड यू मस्ट हैव ट्राई। यस,